नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F13 versus Oppo K10 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy F13 में 6.51 इंच जबकि K10 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy F13 से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy F13 में 3.03 इंच जबकि K10 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy F13 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy F13 में 0.37 इंच जबकि K10 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy F13 में 207 ग्राम जबकि K10 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy F13 में LCD जबकि K10 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Galaxy F13 में 20:9 जबकि K10 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy F13 में 6.6 इंचेस जबकि K10 5G में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy F13 में 1080x2408 और K10 5G में 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy F13 में 82.68% जबकि K10 5G में 84.46% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy F13 में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि K10 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy F13 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और K10 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy F13 में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और K10 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy F13 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और K10 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy F13 में Mali-G52 जबकि K10 5G में Mali-G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy F13 में Samsung Exynos 8 Octa 850 और K10 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy F13 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है, जबकि K10 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy F13 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि K10 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy F13 में 6000 mAh जबकि K10 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy F13 में 3 कलर्स जबकि K10 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
गैलेक्सी F13 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें की 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें कि 10 5G की, तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो सैमसंग गैलेक्सी F13 में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो के 10 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में गैलेक्सी F13 आगे है, मेन कैमरा में गैलेक्सी F13 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में के 10 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Oppo A16 के है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y2 8T है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।